जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली प्रोटेक्टेड होंगे। मेरे चैनल पर नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर और कमेंट मेरे वीडियोस को ज़रूर किया करिए, इससे वीडियोस में आ रही हीलिंग आपको ज़रूर मिलेगी। जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, माता रानी उनका धन धान्य 1000 times मल्टीप्लाइड करके बढ़ा दे। चलिए आज का डाउनलोड देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड रीडिंग्स होती है, अगर आप पेड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हों, मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हों, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का गाइडेंस देख लेते हैं, आपको माँ का क्या गाइडेंस आ रहा है। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता दी, प्लीज़ गाइड माई सब्सक्राइबर माई व्यूअर्स, आज आपका क्या मैसेज आ रहा है? कोई आपके जीवन में ऐसा इंसान है जो आपको डसना चाहता है? डसता कौन है? डसता आपका दुश्मन है, और आपका कोई दुश्मन आपको डसना चाह रहा है बहुत बुरी तरह। ओके, तो कार्ड्स हमारे आ गए हैं। जय माता दी, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कार्ड्स हम बाद में लेंगे, चलिए पहले हम ये कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, देखिए आपके जीवन में पीछे आपको शेर दिख रहा है और दो लोग लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका किसी से विवाद चल रहा है, बहुत भयानक विवाद चल रहा है, और ये विवाद जिस किसी से भी आपका चल रहा है, वो विवाद की असली जड़ एक नागिन औरत है। एक औरत, एक ऐसी औरत जिसने आपको इस कंडीशन में लाया है, पीछे से जो आप लोगों को वॉच कर रही, खासकर आपको वॉच कर रही है। या आपको जो शेर दिख रहा है, ये पीछे से झांक रहा है, ये वही नागिन औरत है जो आप के घर के बाहर से आप तो लोगों को लड़ा के, आपके घर में लड़ाई झगड़ा करवा के बाहर से आपको इस तरह से देखती रहती है। यह आपकी पार्टनरशिप लड़ाई भी हो सकती है, आपके पार्टनर से हो सकता है आपका झगड़ा हो रहा हो, या आपके घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा फसाद करवा रही है एक नागिन औरत जो कि आपको बेहद डस रही है। और इस एनर्जी में आपकी फैमिली इस समय है बिल्कुल भी आपके आपके पार्टनर के संग पट नहीं रही है। आपकी मैरिड लाइफ एकदम में भूचाल आके रखा है आप में से कई लोगों के। आपकी मैरिड लाइफ, खासकर ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो मैरिड हैं, और उनकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में, उनके रिलेशनशिप में एक तरीके का भूचाल आया हुआ है। लड़ाई झगड़ा हो चुका है या हो रहा है, लगातार हो रहा है, बहुत भयानक वाली लड़ाई हो रही है। यहाँ तक कि आप लोगों का जो बॉन्डिंग थी एक दूसरे से, प्यार मोहब्बत था, कुछ दिन तो ठीक भी था, एक अच्छा जीवन आप लोगों ने थोड़ा बहुत, थोड़े ही दिन एक दूसरे के साथ समय बिताया, लेकिन उस पर किसी नागिन की नज़र लग गई, बहुत बुरी तरह उसने आपको डसा है, और आपका जीवन इस तरह से हो गया है। तार तार आपका लाइफ उस लेडी की वजह से हो गई, आपका पार्टनर आपसे अलग हो गया, और बहुत सारे लोगों के पार्टनर भी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आप भी मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जेंडर फ्री रीडिंग है, आप के पार्टनर से आपको बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक मिला है। आपका दिल छलनी कर दिया गया है, तोड़ कर रख दिया गया है, तार तार कर दिया गया है। तीन लोगों की एनर्जी है, एक तो आपका पार्टनर हो सकता है जो कि इनके बहकावे में आके आपके साथ इस तरह से बिहेव किया है। आप लोगों के जीवन में ये एनर्जी आई है, और बाकी दो लोग इसमें डेफिनेटली शामिल हैं जिन्होंने आपकी पूरी मैरिज लाइफ को, मैरिड लाइफ को, आपकी पूरी फैमिली लाइफ को बर्बाद कर दिया है। इस एनर्जी से आप लोग इस एनर्जी में हैं,
एक दूसरे को एकदम खा जाने की स्थिति में हैं, जिसमें कि आप तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को किसी तरीके से तैयार हो, लेकिन क्योंकि आपके पार्टनर इस डायन, इस नागिन औरत के इन्फ्लुएंस में हैं, इस वजह से आपकी लाइफ एकदम हेल बन चुकी है। हर तरीके से प्रताड़ित करने की आपको कोशिश हो रही है। आपके साथ जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें हो रही है। आप में से कई लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, डिवोर्स की केसेस आप पे हो चुके हैं, कई लोगों की करने की प्लानिंग्स आ रही है, आपको झूठे केसेस में फंसाने की कोशिश हो रही है आप में से कई लोगों की। इस तरह से ये जो डायन औरत, ये जो नागिन औरत आपके जीवन में है, आपसे इतनी नफरत करती है, आपसे इतनी चिढ़ती है कि आपको इस तरह से बांध करके वो इस तरह से ड्रीम रखती है कि आप इस तरह से बंधे हो और वो इस तरह से आपको स्टैबिंग करे, आपको जला दे, आपको आपकी निस्ता नाबूद कर दे, आपकी आपको एकदम से ख़त्म ही कर दे, जिसमें ना आप बोल पाओ ना भाग पाओ। देखिए किस तरह से आपको चारों तरफ से इसने घेर के रखा है, आपको परेशान करने के लिए, आपसे नफरत करती है और बिना वजह में ये चीज़ें आपकी लाइफ में कर रही है। आपके पार्टनर से इसने सांठ गांठ करी है, उनका टोटल ब्रेन वॉश किया हुआ है। और बहुत सारे लोगों में आपके पार्टनर ही सामने आके आपका जीना हराम करे हैं, इस लेडी के, इस नागिन औरत के इन्फ्लुएंस में आके उसने जो ब्रेन वॉश किया है, आपके खिलाफ भड़काया है, इसलिए आपके पार्टनर इस समय जो करंट एनर्जी में आपको परेशान कर रहे हैं वो इसी लेडी के इन्फ्लुएंस में है, इसी नागिन औरत के। और ये देखिए, ये इस तरह से किसी भी तरीके से आप दोनों को एक होते नहीं देखना चाहती और गेम्स पे गेम्स खेल रही है, माइंड गेम्स तो बहुत ज़्यादा खेल रही है, किसी भी तरीके से आप दोनों को एक होते नहीं देखना चाहती है, कोई भी रोमांस आपके जीवन में नहीं आना देना चाहती, ना ही चाहती है कि आप आगे बढ़ जाओ, आप बस एक जगह स्टक रहो, उसी रिलेशनशिप पे रो धो, उसी जगह पे फंसे रह जाओ, ना छोड़ रही है और ना खुद आ रही है पास। इस तरह की एनर्जी में ये लेडीज आपको कर रही हैं, जिसमें आपके पार्टनर भी शामिल हैं, वो तो खैर इन्फ्लुएंस में हैं। देखिए आप लोग कहीं घूमने जाते थे, कहीं भी कोई भी अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया है, ये पहले से आप लोगों पे नज़र रखी थी, पहले से हर तरीके से आप लोगों की फैमिली लाइफ में इसने शुरू से नज़र रखी है, शुरू से आग लगाने की कोशिश की है, शुरू से आपको परेशान करने की कोशिश की है। और जब इसको मौका मिल गया, इसने आपकी लाइफ एकदम हेल बना दी और आपकी लाइफ में ये एनर्जी आ गई, आप लोग दूर हो गए, आपका हार्ट ब्रेक हो गया और अभी भी कोशिशें जारी हैं ताकि आपको फर्दर चीज़ें आपकी लाइफ में सेटल डाउन ना हो, आप प्रॉब्लम में ही घिरे रहें, किसी भी तरह से आप लोग एक ना हो जाए। और ये डेफिनेटली आप पे स्पेल्स करवाती है, तरह तरह के स्पेल्स करवाती है, बार बार आप पे स्पेल्स करवाती है, इतने ज़्यादा स्पेल्स करवाती है कि आप में से कई लोगों को भ्रम आने लगे हैं, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, ना आपका काम में मन लग रहा है, ना आपका किसी चीज़ में मन लग रहा है, हर चीज़ में आपका डाउनफॉल आपको होते हुए दिखाई दे रहा है, कैश फ्लो तो जा ही रहा है, क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर कोई फंसा हो ना तो उसका ज़िंदगी एकदम बर्बाद हो जाती है। तो उसी तरह से आप इस समय एक जंजाल में फंसे हैं, आपकी हर अबंडेंस, हर खुशी इस लेडी ने रोक कर रखी हुई है, आपके जान पहचान की है, आपके पार्टनर के रिलेटिव हो सकती है, जहाँ तक है स्ट्रॉन्ग मुझे जो फीलिंग आ रही है वो आपके पार्टनर के ये जान पहचान की लेडी है, जिसने आपकी गृहस्थी में आग लगाई है, आपसे आपके पार्टनर को दूर किया है। और अभी भी करंट में भी
ये इस तरह की चीजें कर रही है कि आपके पार्टनर आपको इतना परेशान कर दें। मतलब ये जो भी आपके पार्टनर बोल रहे हैं, जो भी आपके पार्टनर के एक्शंस हैं, जो भी आपको सर दर्द, सामने तो चेहरा आपके पार्टनर का है लेकिन पीछे वो बोली इसी औरत की बोल रहे हैं या बोल रही है। आपको सर दर्द हो रहा है, आपको परेशानी हो रही है कि आप किस प्रॉब्लम में इस समय फंस गए, और ये सारी किया कराया इसी डायन, इसी नागिन औरत का है जो आपको डस रही है, बुरी तरह डस रही है। तो आप सोचेंगे कि इससे आपको छुटकारा कैसे मिलेगा। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स को इस समय करंट में क्या करना चाहिए इस नागिन औरत के फन को कुचलने के लिए। जय माता दी, एक कार्ड आया है, देखिए कैसे ये दोहरा चरित्र है। शीशा है, शीशे में इसकी इमेज कैसे बन रही है आप देख लीजिए। सामने ये लेडी खड़ी है और शीशे में इसकी इमेज कैसे बन रही है, एक धुंधली इमेज, क्योंकि ये सामने साफ सुथरी है और इधर शीशे में असलियत दिखाई देती है। ये कितनी नागिन औरत है, कितनी डायन है, कितना स्पेल्स करती है, कितने काला जादू जानती है, ये इसकी असलियत है इस औरत की। काला जादू कर करके आपके पार्टनर को उसने अट्रैक्ट करके अपने बस में करके वो सब कुछ करवा रही है जो आपको परेशान कर सके। तो आपको करना ये है कि आपको अपने जीवन में अगर इस तरह की एनर्जी लानी है तो इस औरत से आपको काफी बच के रहना है। बहुत ज़्यादा आपको संभल के रहना है। आपको भी किसी से हीलिंग लेनी पड़ेगी, अपने परिवार की, अपनी बॉडी की, क्योंकि आप पे भी बहुत ज़्यादा स्पेल्स हो रहे हैं, आपको भ्रम आ रहे हैं। हो सकता है ड्रीम्स में आपको आपके पार्टनर दिखाई देते हों, ये सब आपको इल्यूजन्स आते हों, आपको ऐसा भी लगता हो कि आपका गला दबाया जा रहा है, आपका दम घुट रहा है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको जो गाइडेंस आ रहा है कि आपको किसी प्रकार का हीलिंग लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हीलिंग लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप पे मारण क्रिया भी हो सकती है। अमावस्या तक आप पे मारण क्रिया हो सकती है, आपको मार डालने की कोशिश हो सकती है, आप इस तरह के जंजाल में आपको फंसा दिया जा सकता है कि आप आत्महत्या तक कर लें, क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं छोड़ा जाएगा। या तो आपको ये लोग बदनाम कर देंगे या इतना ज़्यादा त्रस्त कर देंगे कि इंसान फिर हार जाता है कि वो करे तो क्या करे। ये देखिए एक कार्ड ही ये बता रहा है कि आपके ऊपर मारण क्रिया तक ये लोग करवाने की, औरत इतना हाथ धो के आपके पीछे पड़ी है। और मेन इसका है मनी और आपसे दुश्मनी, किसी ना किसी तरह से ये आपका मनी, जो भी आपके पास पैसे हैं, और दूसरा कई लोगों से ये भी रेजोनेट कर सकता है जेलसी। आपको हीलिंग लेनी है अपने घर की, अपनी खुद की, और आपको हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना है। रोज आप हनुमान चालीसा का पाठ किया करिए, बजरंग बाण का पाठ करा करिए, आपके शत्रुओं का जरूर शमन होगा। जय माता दी, हर हर महादेव।